नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे खेल कोटे से जुड़ी बड़ी अपडेट के साथ। बिना खेले बना दिए कराटे खिलाड़ी, जारी किए प्रमाण पत्र, कोच बना दिया बिचौलिया। तो क्या कुछ मामला है इसकी तरफ रुख करेंगे और आपको एक क्लियर बात बता देता हूं, अभी तो शुरुआत है। खेल कोटे में बहुत कुछ होना ऐसा क्यों, क्योंकि आपको भी पता है ग्रेडेशन सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा फर्जी बने हुए हैं। फर्जी खेल ग्रेडेशन सर्टिफिकेट जारी करने के मामले में तत्कालीन जिला खेल अधिकारी समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मामले का खुलासा कैसे हुआ इस पर बात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, सीएम फ्लाइंग द्वारा दी गई शिकायत के अनुसार खिलाड़ी जिन स्कूलों में शिक्षा प्राप्त की थी उनके प्रधानाचार्यों से पता करने पर लिखित में बताया गया कि संबंधित विद्यालय में राहुल कुमार मक्खन, महावीर सिंह ने कभी कराटे प्रतियोगिता में भाग ही नहीं लिया था, न ही कभी इन स्कूलों में कराटे की टीम बनी। तीनों खिलाड़ियों के कराटे एसोसिएशन ऑफ चंडीगढ़ प्रमाण पत्र बने हुए हैं। प्रमाण पत्रों में तीनों खिलाड़ी एक ही दिन 24 जनवरी 2016 को एक खेल में प्रथम स्थान प्राप्त कर जारी होने पाए गए, जिनमें खेल आयोजित होने का स्थान न दिखाकर सिर्फ सेक्टर 9 चंडीगढ़ दर्ज किया गया था। इसी प्रकार कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया सीनियर नेशनल कराटे चैंपियनशिप 2016 अर्नाकुलम केरला के प्रमाण पत्र मिले हैं। इन प्रमाण पत्रों में उक्त तीनों खिलाड़ी एक ही दिन 14 फरवरी 2016 को एक ही खेल में भाग लेने दर्शाए प्रमाण पत्र जारी करने मिले हैं। इन प्रमाण पत्रों में जन्मतिथि, वजन, क्रम संख्या, कैटेगरी, मेल फीमेल, खेल आयोजित होने का स्थान भी दर्ज नहीं है। जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी फतेहबाद कार्यालय इन्हीं की प्रतिभागिता करने की उपलब्धि के आधार पर खेल ग्रेडेशन प्रमाण पत्र जारी करवाने हेतु आवेदन पत्र जमा करवाए गए। इन आवेदन पत्रों के आधार पर राजेंद्र बेरवाल, तत्कालीन जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उक्त उम्मीदवार को खेल ग्रेडेशन पॉलिसी जो 15/11/2018 आपकी ठीक है के अंतर्गत खेल ग्रेडेशन प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। तो ये मामला है, ठीक है, और 1.5 साल बाद हुई है कार्रवाई। यहाँ पे आप देख सकते हो, शहर पुलिस ने 21 अप्रैल 2023 को सीएम फ्लाइंग की शिकायत पर राहुल कुमार पुत्र महेंद्र सिंह, मक्खन पुत्र दलीप सिंह, महावीर सिंह पुत्र राममूर्ति द्वारा शिव के पांचाल प्रेसिडेंट अशोक कुमार, सचिव कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया चंडीगढ़ से फर्जी कराटे खेल प्रमाण पत्र बनवाकर राजेश बेरवाल, तत्कालीन जिला खेल युवा कार्यक्रम अधिकारी फतेहबाद से कराटे खेल ग्रेडेशन प्रमाण पत्र बनाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। और यहाँ पे देखोगे आप तो यहाँ पे और भी आपको मामला अच्छे से समझ में आ जाएगा। फर्जी प्रमाण पत्रों का पता लगाएगी पुलिस। सीएम फ्लाइंग द्वारा शिकायत में बताया गया कि वर्ष 2019-20 में 122 खिलाड़ियों के खेल ग्रेडेशन सर्टिफिकेट बनाए गए थे, जिसमें 109 ग्रेड सी के, 13 ग्रेड डी के। जांच अधिकारी राम नरेश का कहना है मामले की जाँच की जाएगी कि कितने प्रमाण पत्र फर्जी बनाए गए थे। अभी तो जाँच और भी बाकी होनी है, ठीक है। तो ये मामला है और आपको पता ही है, खेल कोटे का सर्टिफिकेट बनने के बाद लिस्ट बहुत कम लगती है, आपको अच्छे से पता होगा, तो नौकरी जल्दी मिल जाती है और इसी चक्कर में जो है ये फर्जी प्रमाण पत्र बनवाए जाते हैं। तो ये जानकारी आपके लिए रहेगी। वीडियो आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रुप डी की जो बात है, ग्रुप डी के लिए जो इंतज़ार कर रहे हैं उनकी वेरिफिकेशन वाला मामला चला हुआ है अभी। वीडियो आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।